फोटो 16। प्रभु यीशु ने दुख झल्लिया। प्रभु यीशु ने बहुत अजीब काम किए अते बहुत सारे लोग उहदे पिछे तुर पए। फिर भी यीशु मसीह ने उहनां नूं कहा, तुसी सारे पापी हो। ते जिहड़े बुरे या पापी सी उहनां ने उस नाल नफरत कीती। उहनां लोकां दे गुरू ईरखां वाले सी। उहनां ने कदी भी नहीं मन्निया कि यीशु मसीह परमेश्वर दे पुत्तर हन। उहनां ने उहनूं फड़ाया, उहदे बारे झूठ बोलिया अते मारिया। उहनां ने उस दे सिर ते कंडियां दा ताज रख्या अते सलीब चुकाई। पर यीशु ने यह बुरा नहीं मनाया, क्योंकि वह जानता सी यह ऐदा ही होना है। उसते दुख झलण दे पिछे ईरखा करन वालियां दी योजना सी। फोटो 17। यीशु सूली ते चढ़ाए गए। उस तो बाद प्रभु यीशु नू सूली ते चढ़ाया गया अते उदों तक उहनू सलीब ते चढ़ाई रख्या जिन्हां चिर उह मर नहीं गए। उहदे नाल होर पापियां नू भी ओदां ही मौत दी सज़ा दित्ती गई। इहो जिही मौत दी सज़ा उहनां दिनां विच रिवाज सी, पर प्रभु यीशु ने कोई पाप नहीं सी कीता। उसने संसार दे पापां दा मुल चुकाउण दे लई अपना बलिदान दित्ता। फोटो 18। फिर जी उठना। प्रभु यीशु दे दुश्मनां ने सोचिया कि उहनूं मार दित्ता गया है, पर इदां नहीं हो सकिया। प्रभु यीशु मसीह दे सूली ते मरण तो बाद उहदे दोस्तां ने उहदी लाश नूं इक गुफा विच रख दित्ता। गुफा दे दरवाजे अगे इक वड्डा पत्थर रख दित्ता। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन प्रभु यीशु फिर जिउंदे हो गए। कुछ औरतां कब्र ते आईयां। उहनां ने देखिया कि पत्थर परे हटिया है। 2 स्वर्गदूत इह सुनेहा देण लई बैठे सी कि उह इत्थे नहीं है, उह जिउंदे हो गए हन। प्रभु यीशु मुरदिया विचों जीवंदे हो गए ने। उन्होंने यह साबित कर दिता कि वह परमेश्वर हन। प्रभु यीशु अज भी जीवंदे ने ते सदा रहणगे। वह शैतान अते मौत तो भी वध शक्तिशाली हन। फोटो 19। थोमा विश्वास करता है। प्रभु यीशु दे जी उठन तो बाद वह कई दोस्तों नूं दिखे। उन्होंने गलबात कीती, उन्हां दे नाल रोटी खाधी। थोमा जिहड़ा उहदे दोस्तां विचों सी भरोसा नहीं कर सकिया कि उह जिउंदे हो गए ने। उहने कहा, जदों तक मैं तेरे हत्थां दे जख्मां नूं हत्थ ला के ना वेख लवां, मैं भरोसा नहीं करांगा। प्रभु यीशु बंद कमरे विच आ के दिखाई दिंदे ने। थोमा दा सारा शक दूर हो गया सी। उहने प्रभु यीशु दे पैरां विच गिर के कहा, मेरे रब। यीशु ने कहा, धन है उह जिन्हां ने मैनू नहीं देखिया फिर भी वह विश्वास करते ने। फोटो 20। आसमान ते उठाया जाना। प्रभु जीवंदे होण तो बाद 40 दिनां तक प्रभु यीशु बहुत सारे लोगों नू दिखाई दिते। उन्हां ने गवाही दिती कि वह जीवंदे ने। इस तों बाद प्रभु यीशु अपने पिता कोल जाण लई तैयार सी, क्योंकि वह जिहड़े काम लई आए सी वह पूरा हो गया। प्रभु यीशु ने अपने चेलियां नूं कहा, तुसीं इह समाचार हर एक जगह ते हर एक नूं दसणा। जिद्दां कि लोकां ने देखिया, यीशु इस दुनिया नूं छड के स्वर्ग वल चल पे। फिर एक स्वर्गदूत हाजिर होए अते कहा, जिद्दां रब यीशु नूं लै गए ने उदां ही उह फिर दुनिया विच आउणगे। फोटो 21। खाली सलीब। प्रभु यीशु सूली ते क्यों मरे? प्रभु यीशु सानू पापियां नू पाप दी सज़ा तो बचाउण दे लई सूली ते चढ़िया। परमेश्वर यीशु विच कोई पाप नहीं सी, पर ओह उन्हां पापां नू चुकण दे लई मरिया जिहड़े सानू परमेश्वर तो वखरा करदे सन। सलीब सानू याद दिलाउंदी है, प्रभु यीशु परमेश्वर दा बेकसूर मेमणा सी जिहड़ा साडे लई कुरबान होया। जदों असीं प्रभु यीशु ते भरोसा करदे हाँ तां अपने पापां नू छड्डदे हाँ, उदों साडे पाप माफ़ किए जाते हैं अते असी रब दे अंतकाल घर दे मैंबर बन जाते हैं। फोटो 22। दो रस्ते। प्रभु यीशु ने सिख्या दिती कि जिंदगी दे दो रस्ते अते दो आखरी नतीजे हैं। ओहो आदमी जिसने प्रभु यीशु नू एक इंसानी पापा तो छुटकारा देने वाले दे रूप विच अपना लिया है, पापा दे चौड़े रस्ते
ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਿ ਮੌਤ ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਅੰਤਕਾਲੀਨ ਸਜ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮਾਫ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਭੂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਬਹਾਏ ਗਏ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਯਸ਼ੂ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਯਸ਼ੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਕਾਲ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।